दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने आखिरकार पता लगाया है कैसे होगा धरती का अंत? क्या पृथ्वी पर सबसे पहले खत्म होगा और कैसे होगा? दोस्तों, आइए इस वीडियो में आज इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों, कभी किसी ने आपसे पूछा है या आपके दिमाग में यह बात आया है कि आखिरकार धरती का अंत कैसे होगा? लोग अक्सर कहते हैं कि अंतरिक्ष से कोई बहुत बड़ी चट्टान या उल्का पिंड धरती से टकराएगा, तब पृथ्वी कई टुकड़ों में बंटकर नष्ट हो जाएगी। वैज्ञानिक भी इस सवाल का सही जवाब खोजने के लिए लंबे समय से अध्ययन कर रहे थे। अब वैज्ञानिक को सफलता मिल गई है। वैज्ञानिक को नए अध्ययन में एक बाहरी ग्रह यानी एक्सोप्लैनेट से संकेत मिले हैं कि धरती का अंत कैसे होगा। वैज्ञानिक के मुताबिक हमारे ग्रह पृथ्वी का वजूद सूर्य के अस्तित्व से है। साफ है कि जब तक पृथ्वी को सूर्य से प्रकाश मिलता रहेगा, तब तक हमारे ग्रह का अस्तित्व बना रहेगा। दरअसल वैज्ञानिकों ने नए अध्ययन में एक्सोप्लैनेट को अपने तारे की ओर टकराने के लिए जाते हुए देखा है। धीरे धीरे इस एक्सोप्लैनेट की अपनी कक्ष खत्म हो रही है। द एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल लेटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रहों के जमीन समझने के नजरिए से ये अध्ययन मिला मील का पत्थर साबित होगा। दोस्तों, शोधकर्ताओं को पहले ही पता लग चुका है कि एक्सोप्लैनेट अपने तारे में समाकर नष्ट हो जाते हैं। ऐसे अभी तक सिर्फ सैद्धांतिक और तौर पर माना जाता रहा है। अभी तक नष्ट होते किसी ग्रह को नहीं देखा गया है। ऐसे में इस अध्ययन में वैज्ञानिकों को इस पूरी घटना को देखने का मौका मिल रहा है। नासा ने टेलीस्कोप की मदद से अपने तारे की ओर बढ़ रहे बाहरी ग्रह केपलर 16508B की खोज 2009 में ही कर ली थी। हालांकि इस बाहरी ग्रह के अस्तित्व की पुष्टि करने के लिए वैज्ञानिकों को एक दशक का समय लग गया है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बाहरी ग्रह और पृथ्वी ग्रह में काफी समानताएं हैं। दोनों का आकार और भार करीब करीब बराबर है। दोनों में सिर्फ इतना सा अंतर है कि बाहरी ग्रह अपने तारे के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच चुका है।